क्या हुआ श्रीनु? एक पहचान का बेचारा बुड्ढा गिर गया। मैं बोला मेरा नाम इस्तेमाल करके अस्पताल में भर्ती करवा दो, क्या कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ना। और कितनी दूर है? नजदीक ही है, बस दो मिनट और। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा पापा, घबराइए मत। बिरयानी कैसी लगी तुमको मैडम? बहुत अच्छी है श्रीनु, एकदम बढ़िया। श्रीनु को बुला लो बेटा। हाँ वो आ रहे हैं, किसी मीटिंग में फंस गए हैं। बस पहुँच गए पापा, पहुँच गए। मम्मा मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या तुमने हाथ नहीं धोए थे? मम्मा देखो पापा। तो मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है। अपने बाप को तड़पता बिलखता छोड़, इम्पोर्टेंट मीटिंग तो यहाँ हो रही है। प्लीज, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, फोन में क्यों देख रहे हो? हाँ क्या हुआ मैडम? इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना, सिग्नल हरा, चलो निकलो जल्दी। हाँ चलता हूँ मैडम, मुझे थोड़ी यहाँ रुकना है। बज गए, सोना नहीं है क्या? आ रहा तू जा। पता है तुम कितना ज्यादा शर्माते हो। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। तेरे को स्कूल जाने का है कि नहीं? चल भाई जल्दी। नमस्ते श्रीनु भाई। श्रीनु, क्या बोल रही थी? मेरे को तुमसे एक बात कहने का है। हाँ बोल के। आजकल आप सुबह जल्दी जाते हो और रात को भी देर से लौटते हो, और आप यूनियन लीडर भी हो। ये क्या तू टाइम पास कर रही है इधर खड़े खड़े? बातें मत बना, जो बोलने का सीधा बोल। मैं कहना चाहती हूँ वहाँ पास में एक लाइब्रेरी है, वहाँ सिलाई और बुनाई का काम सिखाते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी सीख लूँ। तो ऐसा सीधा सीधा बोलने का ना, क्या फीस कितना है? सिर्फ 2,000 रुपया। ये ले फीस के पैसे, मन लगा के सीखना, पैसा वेस्ट मत करना। ए, चल जल्दी बैठ। अच्छा श्रीनु, छोटू को रोज मैं ही स्कूल छोड़ेगी और वापस भी ले आएगी, और यूनियन लीडर बनने के बाद आप बहुत बिजी रहते हैं ना, इसलिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो ये भी ठीक है, चलेगा। क्या नाश्ता करना है? नहीं नहीं मैंने अभी तक नहीं किया। तो आ जाओ। ठीक है मैडम, साथ में करते हैं हम लोग। आओ भी पहुंचो बस। ओके। ये लो। अच्छा। और लो। ये भी अच्छा। अरे सुवर्णा। जी चाची। श्रीनु कहीं दिखाई नहीं देता? चाची वो अभी यूनियन लीडर बन गया है ना, तो अफसरों के साथ बहुत मीटिंग में बिजी रहते हैं। अच्छा, बहुत दिन हो गए ना उसकी गाड़ी की आवाज़ हाँ, नहीं सुनी। वो कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। नहीं है। तुम इसे और क्यों बर्बाद कर रहे हो श्रीनु? बधाई
हो शिनु भाई। क्या कर रहा रे? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। आपको पता चला कि नहीं? आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम भाई क्या करूँ? अरे सिनु भाई कांग्रेस। अरे सिनु कांग्रेचुलेशंस। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है पटनायक भाई, मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? क्या भोला बन रहा है, पार्टी कब दे रहा है? काय की पार्टी? अरे अब तो हमारा परमानेंट यूनियन लीडर बन गया, लिख के देता हूँ मुबारक हो। अरे काय की मुबारकबाद दे रहे तुम लोग मेरे को? श्रीनु। अरे ये देख मैडम बुला रही है, जा मिल ले, बाद में मिलते हैं ठीक है? बधाई हो श्रीनु भाई। चल जा। All the best. मुंह बंद करो निकल। Congratulations. कितनी बड़ी खुशखबरी है। I'm so proud of you. क्या मैडम तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई? वो लोग भी सुबह से मेरी टांग खींच रहे। क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी सुंदर और स्मार्ट बीवी है और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। Naughty. सुवर्णा यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आई है। अरे श्रीनु क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना श्रीनु? श्रीनु सुवर्णा ये क्या है? ये क्या है ये सब सुवर्णा? श्रीनु मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारी शादी के वक्त मैं 12वीं पास थी, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। तब जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा? अगर तुम्हारा पति कभी प्यार से तुमसे कुछ पूछता है तो गलती से भी उसे मत बताना कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ 10वीं पास है। इसलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, और उसके जमीर को चोट पहुंचेगी और इस वजह से तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं 6वीं में फेल हो गई और आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आपको पढ़ी लिखी औरतें पसंद हैं। इसीलिए मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने जमकर पढ़ाई की श्रीनु। लेकिन अखबार में फोटो छप जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। आपको ये सब पसंद है ना? ऐसी मेकअप करने वाली और इस तरह के कपड़े पहनने वाले, मैं भी वैसे ही तैयार होंगी श्रीनु। आपको अगर इतने छोटे कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी। नहीं सुवर्णा सब। अगर इससे छोटे कपड़े पसंद है तो मैं वो भी पहनूंगी। मत कर। आप कहो तो मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही है? तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तेरे को करने की जरूरत। आपके हाथ जोड़ती हूँ श्रीनु। मुझे और मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना श्रीनु। कभी नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपकी किसी बात को कभी नहीं टालूंगी। हमें छोड़कर मत जाना श्रीनु। सुवर्णा के लिए कोई स्मिता जैसी लड़की को छोड़ सकता है क्या?
कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई छोड़ने का दावा करता है तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन श्रीनू ने समझौता किया और अपने परिवार के पास वापस चला गया क्योंकि वो मेरे जैसा समझौता करने वाला है। हम जो अंदर से होते हैं वैसी ही बातें लिखते हैं और मैं वैसा ही हूं। याद है यामिनी ने क्या कहा था? प्यार एक समझौता है, प्यार एक बलिदान है, प्यार आत्मा का मिलन है, और न जाने क्या क्या कहा था। अब उसे दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है। अरे गौतम, ये सब क्या है भाई? घर की क्या हालत कर दी है तूने? तू तो शादीशुदा है ना, तो बीवी के साथ झगड़े के बाद घर की हालत ऐसी नहीं होती है। झगड़े करते हैं लेकिन ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते। अरे तेरे हाथ को क्या हो? तू यहां पे क्यों आया? मुझे बाहर जाना है, तू भी निकल चल। ए रुक, तुझे पब्लिशर से 1,00,000 रुपए एडवांस चाहिए थे ना? 1 नहीं है 2,00,000 रुपए हैं। दुगने जज्बात से लिखना, गौतम मेरे डैडी तुम्हें बेटा मानते हैं और तुम्हारी किताब छापने के लिए मान गए हैं। हे आई ट्रस्ट यू मैन, कुछ अच्छा लिख के दिखाना यार। मेरे डैडी की नाक मत कटवाना प्लीज। वो देख, लिखना शुरू कर दिया मैंने। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है, तू जाकर पढ़ ले। मैं जरा यामिनी से मिल के आता हूँ। अरे रवि। हाय गौतम। हाय, यामिनी अंदर है क्या? हाँ वो अंदर ही है। ओके। हाय यामिनी। अरे प्रदीप, कैसे तू? या फाइन। यामिनी मुझे तुम्हें बताना था, पता है श्रीनु एक छोटे से गांव का मजदूर है और उसे पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, सुंदर लड़की के साथ शादी करनी है, लेकिन पता है उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे मजदूरी करनी पड़ती है, फिर एक अनपढ़ लड़की से शादी करा देते हैं। स्मिता कौन है? सुवर्णा कौन है? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? मैं तो बताना ही भूल गया, मैंने लिखना शुरू किया है। एंड आई वांट टू सेलिब्रेट विद यू। तुम एक काम करो, आज हाफ डे ले लो। तुमने कुछ खाया क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए सर दुख रहा है। चलो चल के कुछ खाते हैं। उठो, ढाबे पर चलते हैं। यामिनी तुम घर से ऐसे ही अचानक चली गई, कहां रुकी हुई हो? पापा के घर? यामिनी मैम, आपके पास 5 मिनट है? हाँ मैडम, लंच खाकर आती हैं, तुम लोग जाओ। ओके सर। हाय सर। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, ये बोला था ना मैंने तुम्हें? अगर कोई भी ऐरा गैरा अंदर आया तो तुम्हारी नौकरी गई। ये ऐरा गैरा किसको बोल के गई है? आपको नहीं बोला सर? या मैंने आपको नहीं बोला? ये रा गेरा किसको बोल के गई है? तुम कौन है रा गेरा? ये दरवाजा खोल जल्दी, चल। कौन सर? आपको नहीं बोला सर? सर प्लीज चलिए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। सर अब यहाँ चाहिए ना सर, प्लीज सर।